करती होगी। अब बनाएंगे टीको की मूवी। हाँ, ये हमारे बड़े साहबजादे मज़र बैठे हुए हैं और इनके वालिद बैठे हुए हैं, ये और मैं इनकी वाइफ हूँ सनोवर फातिमा। अब ये टीके दिखाए जाएंगे आपको खारिश के राव साहब। आप बताइए गए ये मेरे ये हाँ बताइए। हाँ, ये इंजेक्शन है आयोरन का जी, और इससे पेट के और जो जिस्म पे कीड़े वगैरह होते हैं जिल्द के ऊपर जी और जिगर में कीड़े वगैरह होते हैं तो उनके लिए ये इस्तेमाल होता है जी। और दूसरा ये वाला इंजेक्शन है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन ये जी। तो ये किस काम आता है? नज़ला ज़ुकाम बुखार ये उसके लिए होता है। इसको आप जानवरों को पिला भी सकते हैं जी, और दो सीसी जो है ये लगाना है सही। और ये वाला जो बड़ा जानवर हो उसको दो सीसी करीब कर दीजिएगा, छोटा जानवर हो उसको हम लगाते हैं इसको एक सीसी, और जो उससे छोटा होगा उसको आधा सीसी तकरीबन इसको लगाना है। और ये गोश्त में नहीं लगता, ये जिल्द में लगेगा यानी खाल के नीचे। हाँ, खाल में लगता है ये, जिल जो है उसके अंदर, गोश्त में नहीं लगता। गोश्त में नहीं लगता है ये सही। ये वाला गोश्त में लगता है, ये गोश्त में लगता है। इसको टेरामाइसिन का भी बोलते हैं। हाँ, नज़ला ज़ुकाम के लिए। हाँ, सही। और इसी आयोरन की ये दूसरी कंपनी है जी, जो कि फार्मूला एक ही है लेकिन कंपनियाँ दूसरी हैं। अगर आयोरन आजकल बहुत शॉर्ट है जी, इसलिए ये वाला इंजेक्शन अगर कहीं से मिल जाए तो आप ये भी दो सीसी लगा सकते हैं, और अगर ये वाला मिल जाए तो ये भी आप दो सीसी लगा सकते हैं। उसके अलावा ये वाला मिलता है आयोमैक 1%, ये वाला भी आप लगा सकते हैं जी। ये सब जिगर के कीड़ों के लिए और जिल्द के कीड़ों के लिए, जुएं लीकें उनके इस्तेमाल में होता है। और ये है हाजमा मिक्सचर सही। ये कितना दिया जाता है एक टाइम में? ये 200 ml, 150 ml, 100 ml। अगर कप में दिया जाए तो? वजन के हिसाब से नहीं, बोतल से देंगे। कप में तो एक कप मैक्सिमम एक जानवर को, बकरी को। और बच्चे को मेरे ख्याल में? बच्चे को तो 5 cc पिलाया जाता सही। ठीक है, यानी दो खाने के बड़े चमचे। अब हम लगे इसको मोटन को, आप कौन सा भी लगा रहे हैं, बड़ा वाला? अभी टेरामाइसिन और दोनों ही लगेंगे। आपने राव साहब मेरे हस्बैंड को देखा है सामने, राव साहब हस्बैंड मेरे टीका भर रहे और अभी टीका भर के किसको लगेगा? मोटन को लगेगा सही। जब ये टीके लगते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि लगते बहुत हैं जानवर, लेकिन बहुत ज़रूरी है। जानवरों की सेहत और इनके बालों की चमक वमक सब ख़त्म हो गई तकरीबन। अभी टीकों के बाद आप एक महीने में देखेंगे, 15 दिन में इंशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसे जाएंगे चमकीले सफ़ेद। क्यों भाई मज़ा? ये पकड़ते हैं, और किसी का बस का रोग नहीं है कि इन जानवरों को कवर करें। ये जानवर तकरीबन हमारे मज़र से बहुत ही अटैच हैं और सारे जानवर इसको ऐसे पहचानते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, इसी क्या काबू होते हैं हमारे। मुश्किल हो जाती है थोड़ी जब ये कौन सा दूसरा टीका भर रहे हैं आप? आयरन के लिए और उसके कीड़ों के लिए, जिल्द और कीड़ों का है ये, जिगर के कीड़ों का सही। अब
आगे लेके आओ, ये ऐसे करके देखना है और ये जिल्द में लगाना है। हाँ ये बता रहे हैं आपको, मुझे तो करने में ना हो, जहाँ पे नरम जगह हो ये जैसे ये हड्डी को बचा के और इसको ये ऐसे ये आपने जिगर के कीड़ों का लगा दिया। नहीं ये नज़ला जुकाम और बुखार टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाया 2 cc। जिससे चिल्लाएगी बहुत दर्द होगा इसको, ये जिल्द में लगाना है, गोश्त में नहीं लगाना। ये जिल्द में लगता है, गोश्त में नहीं। हमारे हस्बैंड पूरे डॉक्टर हैं इनके, ये देखिए किस तरीके से इन्होंने खाल पकड़ी है और खाल के बीच में लगेगा ये। अभी बहुत चिल्लाएगी जोर से। बहुत तड़पता है जानवर ना इसको लगाने के बाद, मगर ये इनके लिए इतना बेहतरीन है कि बास बकरियां तो बेहोश हो जाती हैं, ऐसे लगता है बेहोश हो जाएंगी। मोटन क्या हुआ बेटा, सही हो जाओगी, सही हो जाओगी अभी। हाँ दर्द हो रहा है माँ को, दर्द हो रहा है, अल्लाह अभी सही हो जाएगा। जब कितनी तकलीफ हुई है इस इंजेक्शन से, जितना ही दर्द करेगा समझो उतना इनके ना इन्फेक्शन है। अब ये बच्चों को भी लगेगा, बच्चों का तो मुझसे देखा नहीं जाता। अभी ऐसी तड़पती रहेगी, अब ये तैमूर को लगाएंगे, उस तरफ से आते हैं ना। और इसको करीब से नहीं दिखा सकती, इसको दब गया तो फिर अजाब हो जाएगा। अब इसका कद आप देखें, माशाल्लाह हमारा साहबजादा बड़ा अच्छा खादा कदम करे, तो इसके कद का अंदाज़ा इसके कद से लगा। इसको इतना नहीं हुआ, तकलीफ होती है, नर बच्चा है ना, जब्त कर जा रहा है। और ये बकरियों को लगेगा ना फिर आप देखिएगा, वो अल्लाह इतनी शदीद तकलीफ होती है। अब ये राव साहब दोबारा भर रहे हैं, कौन सा भर रहे हैं राव साहब जी? हमें डॉक्टर बहुत कम बुलाना पड़ता है, जब से हमारा रुस्तम का हुआ था मसला, उसके बाद से मेरे हस्बैंड राव साहब खुद ही सब कुछ करते हैं, बहुत कम डॉक्टर को बुलाते हैं। आवाज़ें निकाल ली बहुत बुरी बुरी, क्या हुआ? इसको भी इतना इन्फेक्शन नहीं था, उसको ज़्यादा थी।
अरे ये तो मरते मरते बची है ना बेचारी, तो उसको ज़्यादा इन्फेक्शन था ना, कितना चिल्लाई। अब मक्खी चीना को लगाएंगे ना, ये सकून से खड़ा हो गया। अब ये दो और हैं, आपा हैं, समरा हैं, अल्लाह रखा हैं, और ये जिसको ज़्यादा अंदर मर्ज होता है वो इतना ज़ोर से चीखता है, जिसको तो मर्ज नहीं होता वो इतना ज़ोर से चीखता नहीं है। ये इसकी ख़ास निशानी है। अगर इसमें ज़्यादा मर्ज होगा, जैसे ये कल्लू को नहीं था और तैमूर को नहीं था, ये देखिए कितने ज़ोर से चीख, कितना ज़ोर से चीख रही है। क्या हुआ चीना? अकड़ गई बेचारे, कह रहे हैं आज क्या हो गया। अरे थोड़ी शांत हो गई, गुस्सा दिखा रहा है। भाई है ना, भाई को नहीं मारेगा ये, इसके हाथ का पला हुआ है, बच्चा था ना। अल्लाह रखे को नहीं, किसी को पकड़ ले, अल्लाह रखे को भी लगाऊंगा। अगर हम डॉक्टर से लगाते तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो वो ले ही जाता। दरवाज़ा खुला मिल गया, वो अंदर चले गए। बड़ी खामोशी छाई हुई है इंजेक्शन के चक्कर में। इसको इतना नहीं हुआ, जिस हाँ क्या हुआ समरा? बाहर निकल जाऊं मैं। अब हो रहा है इसको, पाँव मार रही है। अभी आपा की बारी है। क्या हुआ? सुई वो हो गई है, दूसरी चेंज हो रही है। इंजेक्शन से तो मुझे भी बहुत डर लगता है, और जब लगते हैं तो मैं देखती नहीं हूँ, इसलिए इसमें देखें ये चीखी। क्या हुआ आपा? सब हो गए यहाँ पे, अब ये बच्चे रहते हैं। अब ये नहीं बेटा, ये सूख रहा है ना। अब्दुल रहमान कह रहा नहीं अम्मी जी नहीं। अब्दुल रहमान लगेंगे नहीं तो फिर आपके बकरे तो सूख रहे हैं ना, इन फिर सेट हो जाएंगे, फिर यही सेहत पकड़ लेगा आपका।
इसको पकड़िए साले उठने का काम नहीं कर रहा। राव साहब से बकरे इतना डरते हैं ना, जैसे इनकी शिकल देखते हैं ना तो वैसे ही सहम जाते हैं कि पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लेके आ जाएंगे। हाँ क्या हुआ, वो कितनी तकलीफ में आएगा। और बाहर निकलो, बहुत शौक है ना, अब ये दोनों पिल्लों को बच्चों को भी लगाएंगे। हाँ अब इसको लगेगा। माशाल्लाह काफी बच्चे बड़े हो गए। इसने तो स्टार्ट कर दिया। बहुत तकलीफ होती है। दोनों मिलके गले लग के चीखेंगे। इन दोनों को पकड़ के लाओ। उनका अलग से इंजेक्शन है ना बच्चों का, दिखाइए इंजेक्शन बच्चों का। ये बच्चों का लगाते हैं। हाँ ये छोटा सा इंजेक्शन बच्चों का, उनका बड़ा था। अरे अब्दुल रहमान की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। उसी में बिलक जाएंगे बेचारे। मगर ये खुजा रहे थे ना, और ये खांसी हो रही है इनको बच्चों को, तो ये इनको भी लाजमी है। देखे ना मौसम चेंज हुआ है, खांसियाँ नज़ले शुरू हो गए। अच्छा ये एक सीसी लगेगा इसको। अब्दुल रहमान मान नहीं जाओ बेटा। दोनों इंजेक्शन तैयार हो गए। बस ये बच्चों का नहीं देखा जाता मुझसे, छोटे बच्चों का। अब आप ही देखें, मैं तो आंखें बंद कर ली हूँ। बेटा हिलाना नहीं, मैं आंखें बंद करूँगा। देखिए कितना बुरा खेल रहा हूँ। नीचे उतरो, भागा भागा माँ के पास। चलेगा बहुत बुरा। माँ के पास पीछे छुप गया जाके। अब ये आखिरी है ना। ये देखिए आप, इसके लगे अनायक, वो उसके पीछे छुपा हुआ चीख रहा है। हाँ अब ये
तो पहले ही दफा लगे हैं, इसलिए बहुत बिलक गए ये बेचारे। कितने जोर से चीखते हैं बच्चे, मगर ये इंजेक्शन बहुत जरूरी है। अनाया क्या हुआ देखें आप, यानी इनमें बच्चों में जब इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इनको, जिसमें इन्फेक्शन कम होगा उसमें कम होती है। जैसे इनकी माँ चीखी थी, उसको नज़ला बुखार खांसी हुई भी थी मोटन को, तो अभी सबके उन्हें टीके लग गए, वैक्सीन हो गई है और अब वो चीख रही छुप गई है पीछे अपनी माँ के पीछे। अनाया हाँ क्या हुआ बेटी को, मजर ने टीका लगा दिया बाबा ने मिलके, हैं आ जाओ, अभी नहीं निकलोगे, अब तो नहीं निकलोगे बेटा तुम जब तक ये हैं। अब ये टीकों का प्रोसेस पूरा हो गया, अब आप कमेंट कीजिएगा, शेयर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, और इनका बहुत फायदा है, अब सब शांत खड़े हैं, इससे इनके में जिल अच्छी होगी, बाल शाइनिंग वाले होंगे, और इनके जिगर में जो कीड़े हैं जी वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये चीचड़ विचड़ हो जाते हैं, चीचड़ लगते हैं, जुएँ होती हैं, जुएँ ख़त्म हो जाती हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, तो इस इंजेक्शन से वो जुएँ ख़त्म हो जाती हैं और बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, सेहत अच्छी होगी। और राव साहब ये महीने में एक और दफ़ा लगेंगे ना सबको, एक महीने बाद एक कोर्स होता है इनका। अच्छा एक महीने के बाद एक कोर्स होता है, कभी आप तीन महीने के बाद भी लगा देते हैं वो पोजीशन देखने के बाद कि हाँ अगर सही हो तो ठीक है, वरना तीन इंजेक्शन लगते हैं हर महीने बाद। और अगर कोई बीमार हो जैसे टेरामाइसिन बुखार नज़ला जुकाम के लिए, तो टेरामाइसिन जो है वो उसको पिला भी देते हैं, एक एक कतरा नाक में भी डालते हैं, या सरसों का तेल नाक में हल्का चम्मच के अंदर एक एक कतरा नाक में डाल दें, नीम गरम करके, नीम गरम नहीं यानी वो बस हल्का सा उसको सेंका हुआ, तो उससे वो होगा कि नज़ला फौरन ख़त्म हो जाएगा सरसों का तेल, लेकिन होना पालिश चाहिए। हाँ हाँ ये तो है, चलें जी, अब लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि ये जानवरों को आपने कैसा फील किया, सब शांत खड़े हुए और माशाल्लाह से बस वक्ती तौर पे चिल्ला चिल्ली होती है, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। अब ये बच्चे भी देखिए शांत हो गए, दोनों खड़े हैं डर के मारे। अनाया बाबा आ जाओ बाहर आओ भाई, अभी तो शरारते कर करके तुमने पागल किया हुआ था, हैं आ जाओ बाहर आ, नहीं हाँ अल्लाह रखा घूम रहे बाहर, चलें अच्छा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के अमान में, दुआएं कीजिएगा, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, कमेंट शेयर लाइक और बताइएगा, अल्लाह हाफिज़।